वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम वर्ड फ्लाइंग एनिमेशन इन फोटोशॉप में करें, जिसके लिए हमने इसको तैयार करने के लिए डाउनलोड पिक्चर्स 4 स्टेप हमने कर लिए हैं। वर्ड एनिमेशन और न्यू शीट लेंगे, उसके बाद इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे जैसा हम चाहते हैं। उसके बाद ओपन करेंगे हम पिक्चर जिसका एनिमेशन बनाना चाहते हैं। ये 4 स्टेप्स है और सबसे पहले हमने 1 स्टेप को सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करेंगे। इसी तरह हम 2nd स्टेप को रख लेंगे यहाँ पे लिखना, और जब हम इंसर्ट करते हैं इसकी अपने आप लेयर्स बन जाती हैं। और इसी तरह हम 2nd स्टेप वर्ड को ड्रैग करेंगे मूव टूल के साथ, और इसकी बैकग्राउंड भी होती है सेलेक्ट मैजिक टूल की मदद से डिलीट कर देंगे। ऐसे ही इसे 1 बाय 1 इसकी जो भी बैकग्राउंड है उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसी तरह हम आगे 3rd स्टेप को और 4th स्टेप को ड्रैग करेंगे। उसके बाद हम इसको मूव टूल की मदद से एक साइड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे अब सेटिंग करनी है कैसा बनाना चाहते हैं। ये 4 लेयर्स क्रिएट हो गई हैं, और पहली 1st लेयर को सिलेक्ट करने कंट्रोल की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो राइट साइड दिखा रही लेयर्स उसके हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे Ctrl+T के साथ इसे ड्रैग करेंगे। जितना हम जैसे हम पंछी जो भी वर्ड है फ्लाई चाहते हैं थोड़ा बड़ा दिखाना, तो हमें इसको सेटिंग कर लेंगे। उसी तरह एक पिक्चर के ऊपर दूसरी लेयर को सेट करी जाएंगे। ये हमारा 2nd स्टेप हमने सेलेक्ट कर लिया, और थर्ड को भी इस तरह ड्रैग करके हम इसके ऊपर रख देंगे। लास्ट हमारा रह गया 4th स्टेप, इसे भी ड्रैग करके और Ctrl+T की मदद से इसको भी इसके ऊपर ड्रैग कर लेंगे। 4 स्टेप एक जगह रख ले हैं, और उसके बाद हम जाएंगे इमेज रेडी टूल व्यू में। यहाँ पे स्टेप हमें दिखाई दे रहे हैं, हम सभी आग को बंद कर देंगे, 1st स्टेप की आग को ऑन करेंगे रखेंगे, और उसके बाद इमेज इंसर्ट करेंगे। नीचे जो दिखाई दे रहा है उसे इंसर्ट करेंगे, 2nd वहाँ पे 2nd स्टेप रखेंगे, ऐसे ही नीचे इंसर्ट करेंगे इमेज, उसमें 3rd स्टेप्स, इसी तरह 4th स्टेप इंसर्ट करेंगे, और इसी तरह ही हम इसको टाइमिंग देंगे हम सभी पिक्चर को, जैसे 1st को 1 चाहते हैं, 2nd को 2 0.2, 3rd को 0.3, 4th को 0.4। हम सभी स्टेप्स को ऐसे रख के और सभी को टाइमिंग दे चुके हैं अलग अलग स्टेप को। तो उसके बाद हम करेंगे प्ले, ऐसे हमें दिखाई देगा एक जगह पर पंछी फ्लाई कर रहा। इसी तरह हम इसको 100 दूसरी जगह से उड़ाना चाहते हैं, तो स्टेप को 1 बाय 1 रखेंगे। जैसे पहले स्टेप को हमने थोड़ा सा इधर रख दिया, 2nd को भी उसके पास थोड़ा सा रख दिया, ऐसे ही 3rd और 4th को रख देने के बाद तो ऐसा दिखाई देगा। थैंक फॉर वॉचिंग।